ठीक यहाँ पे है साथ में राजमा की बेल और ककड़ी की बेल, और अभी इन पे ना छोटी छोटी फुराली लग रही है, और एक यहाँ पे ये। तो चलिए जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जेठी माँ का किचन गार्डन दिखाना। तो यहाँ पे देखिए भाई मक्का। तो अब आप लोगों को ऊपर के खेत में लेके चलते हैं जेठी माँ का, वहाँ सगोड़ा भी है। बहुत पहले जब मेरी मम्मी आई थी ना तो जेठी माँ ने वहाँ से आलू दी, ऊपर से चिल्ला रही है कि कहीं इधर ना आए। तो अभी देखिए लंगूर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में, और केदार घाटी के खूबसूरत गांव तिरजू किनारण गांव से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग 10:30 बजे से हो रही है। ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और घर में अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। वैसे मैं नहा के रेडी भी हो चुकी हूँ और कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं। बाकी दीदी भी लगी हुई है अपने कपड़े वगैरह धोने पे। तो जेठी माँ लोग अभी सफाई वगैरह कर रहे हैं, वैसे ही अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि मिस्त्री लोग भी लगे हुए हैं काम पे। आज मौसम की बात की जाए तो मौसम काफ़ी सुहावना है, काफ़ी अच्छी हल्की हल्की धूप लगी हुई है। सामने वाली त्रिभुजाकार आकृति के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं, और आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं और हल्की हल्की धूप लगी हुई है। और सामने जो केदारनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो भी हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, बाकी ना हल्का हल्का कोहरा भी लगा हुआ है। वैसे तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि बारिश भी लग सकती है। तो दीदी ने यहाँ ना बरामदे में पानी वगैरह भी अच्छी तरह से डाल दिया है क्योंकि काफ़ी कीचड़ वगैरह हो रखा था, क्योंकि बारिश लगी तो बरामदा काफ़ी गंदा हो रखा था। दीदी ने सफाई वगैरह भी कर ली है। बाकी यहाँ ठीक सामने है जेठी माँ लोगों का किचन गार्डन, और यहाँ पे भी जेठी माँ ने काफ़ी सारी चीज़ें उगा रखी थी, लेकिन घर के काम की वजह से यहाँ पर मटेरियल वगैरह डाल रखा था। और आप लोगों को बताते हैं जेठी माँ का किचन गार्डन की क्या क्या साग सब्जियाँ हैं। तो चलिए जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जेठी माँ का किचन गार्डन दिखाना। तो यहाँ पे देखिए भाई मक्का की खेती है, और इन पे ना मक्का देखिए लगी हुई है, लेकिन यहाँ ना शायद ठंड की वजह से मक्का नहीं होती हैं। और यहाँ पे फूल हैं, लेकिन ये फूल ना इन पे अब लगते हैं फूल। बाकी यहाँ पे राजमा की काफ़ी सारी बेलें हैं। यहाँ नीचे नीचे की साइड जेठी माँ ने काफ़ी सारी चीज़ें उगा रखी हैं। यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा भांग का पौधा है और अब इन पे दाने आने स्टार्ट होते हैं। और ठीक यहाँ पे है मक्का के छोटे छोटे पौधे, लेकिन इन पे मक्का नहीं है। और बीच बीच में देखिए मंडुआ भी है, लेकिन ये बीज झड़ा होगा यहाँ पे, तो ये मंडुआ किसी काम का नहीं है, ना ही ये खाने के काम आएगा ना ही बीज के काम, तो ये घास के लिए काटेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए भाई राजमा की बेल है, जो कि अब ये राजमा जो है पक्की होके सूख जाती है। अगर इनको ना साग के लिए निकाल भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, और ये पक्की भी हो गई है। वैसे तो इन पे देखिए काफ़ी सारी राजमाएं लगी हुई है, और पत्ते कम और राजमा काफ़ी सारे लगे हुए हैं जड़ से ही। इधर की साइड तो राजमा की बेल है, मतलब राजमा की भी ये बेल है इधर की साइड। और ठीक यहाँ पर है पत्ता गोभी, यहाँ नीचे नीचे की साइड देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्ता गोभी है, और शायद इन पे कीड़े भी लगे हुए हैं। और ठीक यहाँ पे है साथ में राजमा की बेल और ककड़ी की बेल, और अभी इन पे ना छोटी छोटी फुराली लग रही हैं, और एक यहाँ पे ये देखिए छोटी सी अभी ये लग रही है, कुछ दिनों बाद ये भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और ठीक यहाँ भी हैं भाई काफ़ी सारी ककड़ियाँ, वो भी छोटी छोटी लग रही हैं, अंदर होंगी शायद। यहाँ पे तो राजमा ककड़ी की बेल है, और साथ में चौलाई भी है। और ठीक यहाँ पे है मिर्च की पौधे हैं, और यहाँ पे ही जेठी माँ की मिर्च हैं कुछ किचन के आगे हैं, लेकिन अभी ना इन पे देखिए भाई मिर्च नहीं लगी हुई है, अभी इन पे सिर्फ फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना करेले की बेल है, तो लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो जेठी माँ ने बोला है कि करेला निकालने के लिए, और साथ में यहाँ पे देखिए एक ककड़ी भी है, ये देखिए
और ये दिखाई नहीं दे रही थी, ये सड़ भी रही है शायद धीरे धीरे। तो यहाँ से मैं ना करेले निकाल देती हूँ, और यहाँ देखिए करेले भी लग गए हैं। तो आज दिन के साग में करेले का साग और राजमा बनाएंगे। तो जेठी माँ ने ना अपने किचन गार्डन से इतने करेले निकाले और ये वो कर दिए हैं, मतलब इनके अंदर कुछ इस तरह से बीज रहते हैं वो अलग कर दिए हैं। तो जेठी माँ ने अपने किचन गार्डन से कुछ राजमा निकाली पक्की पक्की, जिन पर दाने हो रखे होंगे तो उन्हें निकाल दिए हैं। तो आज दिन के साग में मीठे करेले का साग हो गया और साथ में ये राजमा बनेगी। तो कैसे बनाएंगे आज आपको ब्लॉग में बताएंगे। और ठीक यहाँ पे देखिए भाई टमाटर के काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं जेठी माँ ने, जिन पर कि काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। और इन पे देखिए भाई एक ही गुच्छे पे काफ़ी सारे टमाटर हैं, ये देख कुछ यहाँ पे ये रहे। और यहाँ पे एक खीरा भी लगा हुआ है, ये देखिए निकालो खीरा को, निकालना है। तो जेठी माँ बोलिए इसको निकालो बस इस खीरे को, तो इसको निकालते हैं इस खीरे को, क्योंकि ये और जेठी माँ बोल रही है खीरे का जो वो है ना बेल है तो वो सूख गई है, तो यहाँ पे एक खीरा मिल गया है मुझे। बाकी उधर की साइड भी टमाटर है, यहाँ पे भी देखिए करेले की बेल है और इन पे छोटे छोटे करेले लग रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे अब लगेंगे काफी सारे। और यहाँ पे एक राजमा की बेल है जिस पे कि काफी सारी बीन्स लगी हुई हैं, ये देखिए। और इनका साग भी बनता है, लेकिन अब जेठी माँ इनको बीज के लिए रख रही है, वैसे ही खाने के लिए भी निकालते हैं। तो अब आप लोगों को ऊपर के खेत में लेके चलते हैं, जेठी माँ का वहाँ सगोड़ा भी है। बहुत पहले जब मेरी मम्मी आई थी ना तो जेठी माँ ने वहाँ से आलू दिए थे, और आजकल ना यहाँ लंगूरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा हुआ है, वो ना ऐसे आ रहे हैं यहाँ साग सब्जियाँ खाने के लिए और पूरा नुकसान कर रहे हैं। तो एक सगोड़ा ये रहा यहाँ, और यहाँ देखिए लंगूरों का आतंक मचा हुआ है। ऊपर देखिए लंगूर काफ़ी सारे हैं जो कि मंडुवे को खाने के लिए आ रहे हैं, मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर रखा है उन्होंने। यहाँ पहले आलू थे तो उन्होंने पूरी कद्दू की बेल इधर उधर कर दी। अब देखिए ये राजमा बची हुई है और जेठी माँ ऊपर से चिल्ला रही है, कि कहीं इधर ना आए। तो अभी देखिए लंगूर जा रहे हैं भाग के, क्योंकि ऊपर से कोई उन्हें वो कर रहा है, भगा रहा है यहाँ से, तो भाग रहे हैं वो। घरी के पीछे एक खेत है जहाँ जेठी माँ ने राजमा बो रखी है, काफ़ी अच्छी हो रखी है। और ऊपर की साइड मंडुआ है और वो भी थोड़ा बहुत पक गया है, लेकिन लंगूर जो है यहाँ मंडुआ खाने के लिए आ रहे हैं। अभी देखिए ऊपर कुछ लंगूर पेड़ पर बैठ गए हैं, ये काफ़ी सारे हैं, कुछ उधर की साइड चले गए हैं और कुछ देखिए भाई बुरांस के पेड़ पर बैठे हुए हैं आराम से। तो अभी जेठी माँ ना लंच बनाने की तैयारी करने लग गई है, तो कुकर पे चावल चढ़ा दिए हैं। तो आज ना जेठी माँ कुकर पे बनाएगी भात, और यहाँ पे देखिए करेले हो गए, राजमा, और साथ में देखिए यहाँ पे एक टमाटर और ककड़ी और एक खीरा ला रखा है कि गार्डन से। जेठी माँ की ड्यूटी है खाना बनाने की हमारे लिए, मिस्त्री लोगों के लिए, और बाकी ना मेरी और दीदी की ड्यूटी लगी हुई है घर में साफ सफाई वगैरह करने की, क्योंकि दो दिन लगातार बारिश रही जिससे कि घर में ना काफ़ी गंदा हो रखा था, तो हमने सफाई वगैरह करनी है।
तो ये देखिए भाई, इस कमरे में दीदी ने साफ सफाई वगैरह करके कपड़े वगैरह ढंग से बिछा दिए हैं। तो इस वाले कमरे की दीदी ने की साफ सफाई और इस वाले कमरे की मैंने की। तो मैंने भी यहाँ अंदर देखे, रजाई गद्दे वगैरह अच्छी तरह से बिछा के साफ सफाई कर दी है, और अच्छी तरह से नीचे पर कपड़े वगैरह भी, मतलब कम्बल वगैरह भी बिछा दिए हैं, कम्बल चटाई वगैरह बिछा दिए हैं। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, उतनी नहीं लगी हुई है, कोई भरोसा नहीं है, शाम के टाइम बारिश भी आ सकती है।